अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो नाज़रीन आज का ये वीडियो मैं बताता चलूँ आपको कि जब से मेरा चैनल यूट्यूब पर चल रहा है, इस तरीके से कोई वीडियो मेरे चैनल पर मैंने अपलोड नहीं किया है। फर्स्ट टाइम इतना अच्छा और ख़ूबसूरत वीडियो मैं ला रहा हूँ आपके लिए। आप लोग वीडियो को देखें और देखने के बाद आपको कैसा लगा है या आपको कैसा लगेगा, आप देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर। ये देखिए मेरा भांजा ये बैठा है, इधर आना मामा। ये मेरा छोटा भांजा आयान रज़ा है, ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ शुरू किया है, तो अभी 8-10 दिन पहले इसका अम्मा पारा मुकम्मल हुआ है, अब जाके कुरान शरीफ शुरू किया है। तो मैंने इनसे कहा कि चलो मुझे थोड़ा सुनाओ, तो मैंने चाहा कि मैं भी सुनूं, मेरे साथ साथ आप लोग भी सुनें, ताकि आप लोग भी अपनी मखसूस दुआ में इन्हें याद रखें। 2-4 दिन से मैं सुन रहा हूं, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अभी फिर मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह, आप भी सुनेंगे, फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसकी पढ़ाई आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छा लगे आप अपनी मखसूस दुआ में इन्हें याद रखें और इनके लिए दुआ खैर करें कि अल्लाह ताला इल्म दीन व दुनिया से इन्हें मालामाल फरमाए, इनकी हर ख्वाहिश, इनके माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी करे। और मेरे बहनवी मोहम्मद अनवारुल हक, गाज़ियाबाद में इनका दांत का लैब चल रहा है, जिनका नाम सनराइज डेंटल लैब है, आप लोग मखसूस दुआ में उन्हें याद रखें और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बहनवी के लैब में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, तमाम ज़मीनी फितनों से आसमानी बलाओं से हम लोगों को महफूज व मामून रखे। आप लोगों के लिए भी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, मेरे तमाम यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए तो चले बिना किसी गुफ्तगू के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल में जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का सपोर्ट है कि आए दिन मेरा चैनल बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। आप लोगों की नवाजिश, मोहब्बत, शफकतें आप लोगों की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। तो जो भाई मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप भांजे से सुनते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करता है। इसको पढ़ के सुना दो। ये सारा आता है ना, मुंह से बोलना। हाँ। तो मुंह हिला के नहीं बोलना, मुंह से बोलना, ठीक है, ये पढ़ देना। بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون درنا نہیں ماما آرام آرام سے پڑھنا میں ماروں گا تھوڑی نا اچھا سے پڑھنا ٹھیک ہے صاف صاف کر کے کیونکہ سب دیکھ رہے دیکھو سارے لوگ تم کو دیکھ رہے سب دعا دیں گے تم کو اور اچھا پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا سے پڑھنا ڈرنا نہیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزات لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة
وَالطَّمَاتِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَّسَةُ الَّتِي الَّتِي تَتَّعْلُو عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُؤَدَّدَةٍ ما شاء الله بہت اچھا ہے اور اور دو دو پڑھ کے سنا دو خالی بس ہاں سارا پڑھ لیا نا آگے بتاؤں آگے والا سن لو ٹھیک ہے یہ بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا وأعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سارا پڑھ سکتے ہو نا کوئی سا بھی پوچھ لوں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نسرع لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ما شاء اللہ بہت اچھا ہے بہت اچھا پڑھتے ہو سب لوگ ابھی تعریف کریں گے تمہاری اور سب دعا دیں گے تم کو اتنا چھوٹا بچہ ہے اتنا اچھا پڑھ لیتا ہے کون سا دو کون سا دو مطلب کوئی سا بھی پڑھ لیتا ہے نا یہ پڑھ لے گا یہ تھوڑا ہارڈ ہے پڑھ لے گا پڑھ سکتے ہو पहले बोला था ना सर नहीं चाहिए हिला के मुंह से बोलना हाँ, पढ़ बोल, सकता हूँ पढ़ सकते हो ठीक है इसको पढ़ के सुना दो बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सबीहिस मा रब्बिकल आला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غشاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وانو يسيرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
रब्बका इन्ना हाजा लाफी लफिस सुहूफिल उला सुहूफी इब्राहीम वा मूसा। माशाल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना और देखा, आप वीडियो में देख ही रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने अपनी राय पेश करें कि उन्होंने किस तरीके से मेरा छोटा भांजा है, नाम मोहम्मद अर्श रज़ा, और ऐसे हम लोग प्यार से इनको आयान बुलाते हैं, तो आप लोग बताएं कि किस तरीके से छोटे से 6 साल के बच्चे ने मुझे अम्मा पारा को सुनाया है। तो आप लोगों से बिलखसूस मैं अपील करता हूं कि मेरे भांजे मोहम्मद अर्श रज़ा के लिए आप मखसूस दुआ करें कि मौला तबारक व तआला इनके कुव्वत हाफिज़ा को मजबूत फरमाए। मुझे सुनाया, मेरा दिल तो अल्हम्दुलिल्लाह बाग बाग हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक के साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर आगाह करें कि आपको इनकी पढ़ाई कैसी लगी। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।